हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया लगातार अपने दर्शकों को यह जानकारी देता रहा है कि लंबी सूची आने वाली है और फर्स्ट इंडिया की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। 108 आईएएस अफसरों के तबादलों को आप किस तरीके से देख रहे हैं और 20 ऐसे भी हैं जिनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है? जो सबसे बड़ी बात इसमें सामने आती है कि इतनी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी नहीं देखी गई, क्योंकि अब 332 आईएएस अधिकारियों का कैडर हो गया है और उसमें से 108 आईएएस अधिकारियों का तबादला या पदस्थापन हुआ है। तो ऐसे में ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 30-35% तक आईएएस इधर उधर हो गए हैं। जो चेहरे बदलने की बात थी, तो पिछली सरकार के चेहरे बदलने मुख्य तौर पर कहा जा रहा था, बार बार ये कहा जा रहा था कि सभी अहम विभागों पर, अहम पदों पर बैठे हैं पिछली सरकार के लगाए गए अधिकारी। उनमें जो खास नाम आता है वो शिवराज जी का आता है, यहाँ पर जो चिकित्सा विभाग से अब उनका राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में ट्रांसफर हो गया है। इसी तरह एक नाम आता है हेमंत गेड़ा का, जो कार्मिक विभाग में करीब करीब 4 साल से इसी विभाग में थे और अब वो अध्यक्ष राजस्व मंडल बनाए गए हैं। जो अन्य नाम है उसमें टी रविकांत, क्योंकि उनको पिछले सरकार में भी यूडीएस जिम्मेदारी दी गई थी, अब वो यूडीएस से ट्रांसफर कर दिया। हालांकि उनको बहुत अच्छा विभाग है, खान पेट्रोलियम विभाग में उनका जो तबादला कर दिया गया है। जी, मंजू राजपाल अभी हाल ही में जेडीसी लगाई गई थी, जी इस सरकार में ही लगाई गई थी, लेकिन उनका कुछ समय में ही यहाँ पर तबादला देखा गया है, तबादला कर दिया गया इनका। जी, इसी तरह से अगर भानु प्रकाश एटोपी की बात करें, जिसको हम अध्यक्ष बनाए गए थे और ये माना जा रहा था कि बहुत अच्छे पद पर इनका किया, लेकिन अब उनको टीएडी सचिव बना दिया गया। जी, नीरज के पवन एक लंबे समय के बाद सचिवालय में वापसी करने में सफल हुए हैं और नीरज के पवन अब बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त से जो सचिवालय में सचिव बनेंगे, जो कि युवा मामला के सचिव बनेंगे। समित शर्मा पीएचईडी में थे, अब इनको पशुपालन मत्स्य की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। जी, जो बड़े नाम मैं बता रहा हूँ, जिसमें एक नाम जो रह गया वो यह भी है के पाठक का, वित्त सचिव राजस्व, अब ये कार्मिक विभाग के सचिव बनाए गए। तो ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, और जो पिछली सरकार में जयपुर कलेक्टर थे उनकी जगह नया चेहरा जो कलेक्टर के रूप में, जैसा कि वीरेंद्र भी बता रहे थे डिप्टी एडिटर, वो नया नजर आ रहा है। इसी के साथ जो बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, जो क्योंकि हम कहते हैं बड़े विभाग कौन कौन से, तो चिकित्सा विभाग, पीएचईडी विभाग, जो जीएडी, तो उसमें यहाँ पर फेरबदल देखा गया है। यूडीएच में फेरबदल देखा गया है, एलएचजी में फेरबदल देखा गया है, पर्यटन में फेरबदल देखा गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी यहाँ पर नजर आती है। रवि जैन की बात कर लेते हैं, तो उन्हें पर्यटन सचिव बनाया गया है, और जो खास बात इस स्थिति में है कि जो 2022 के आईएएस अधिकारी हैं उनको पोस्टिंग दी गई है और उनको ये उद्योग में पोस्टिंग दी गई है ओएसडी बनाकर, तो ओएसडी उनको बनाया गया है और ये इसके मद्देनजर बनाया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट होने वाली है उसके मद्देनजर उन्हें ओएसडी बनाया गया है। तो यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी देखने को मिलती है। जो हाल ही में प्रमोट हुए हैं 2 दिन पहले जो आरएसआईएस बने, उन तमाम 11 अधिकारियों को यहाँ पर पोस्टिंग मिली है, लेकिन देखने वाली ये बात है कि इनमें से कुछ अधिकारी मौजूदा पद पर ही कार्यरत रहेंगे और जो कुछ अधिकारी हैं उन्हें दूसरी पोस्टिंग दी गई है, लेकिन इनमें से किसी को भी कलेक्ट्री नहीं मिली है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि कलेक्ट्री इनमें से कुछ अधिकारियों को मिलेगी, क्योंकि ये माना जाता है कि एक तोहफा सरकार की ओर से दिया जाता है एक तरफ से, तो उसको देखते हुए यहाँ पर कलेक्ट्री की उम्मीद थी, लेकिन कलेक्ट्री यहाँ पर नहीं दी गई है। जो प्रकाश पुरोहित की बात करें, कलेक्टर जयपुर लंबे समय तक रहे, अब वाणिज्य कर विभाग में आयुक्त, ये भी बहुत अहम पद पर ये अपना दायित्व निभाएंगे। वाणिज्य कर आयुक्त का बहुत अहम पद है, ऐसी चर्चा थी कि शायद इन्हें जेडीसी बनाया जाए, लेकिन जेडीसी के रूप में एक अपेक्षाकृत अनुभवी चेहरे को यहाँ पर आनंदी के रूप में
सरकार ने भरोसा जताया है जी। जो इंद्रजीत सिंह की बात कर रहे हैं तो अगर इन्वेस्टमेंट राजस्थान को देखते हुए और उनके पूर्व में उद्योग के अनुभव को देखते हुए उन्हें रिको एमडी बनाया गया जी। जितेंद्र सोनी क्योंकि जैसा कि शिवेंद्र परमार बता रहे थे भी कई जिलों के कलेक्टर रह चुके हैं, जयपुर का इनको दायित्व मिला है। और साथ ही साथ ये बता देना चाहूंगा दर्शकों को कि इस दायित्व के साथ उन्हें दो जिलों का कलेक्टर बनने का अतिरिक्त चार्ज के रूप में दायित्व मिला है क्योंकि जयपुर ग्रामीण है और दूर है, तो ये दायित्व इन्हें दिया गया है। अन्य जो प्रमुख नाम हम बता सकते हैं कि आबकारी आयुक्त बनाए गए हैं शिव प्रकाश मदान नकाटे और विशिष्ट सचिव आयोजना में अनुपमा जोरवाल को बनाया गया है। जो अन्य नाम हैं ज्यादातर उसमें 12 जिलों के एक तो कलेक्टर बदले गए हैं, जेडीसी बदले गए हैं और जो तमाम अहम महत्व है जी उसमें फेरबदल किया गया है। तो यह समझा जाता है कि सरकार ने एक नया चेहरा पेश करने की कोशिश। लेकिन डॉक्टर ऋतुराज शर्मा देखा जाता है कि पूर्ववर्ती सरकार में जो अधिकारी होते हैं और जब सरकारें बदलती हैं तो वो अधिकारी बदले जाते हैं, लेकिन इस सरकार में ऐसा नजर नहीं आया। लंबे समय बाद एक लंबी सूची जब सामने आई है तो कुछ बड़े चेहरे भी बदले हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका क्या कारण आप समझ रहे हैं? क्या मेरिट के आधार पर ये बदलाव है या फिर कुछ पनिशमेंट भी किसी को मिला है? देखिए साफ तौर पर इसमें ये दिखता है कि जैसे मान लीजिए वित्त विभाग की बात करें, सबसे ज्यादा जो सरगर्मी रही थी वो वित्त विभाग के अधिकारी बदलने को लेकर ही रही थी। तो वित्त सचिव राजस्व के जो पद है उसको मैं तो फेरबदल कर दिया गया, लेकिन जो माफ कीजिएगा जो वित्त एचसीएस का अहम पद है अखिल अरोड़ा उस पर है और वो लंबे समय से करीब 4 साल से वो इसी पद पर है और यह बताया कहा जा रहा था कि शायद इस बार की सूची में उनका नाम आ जाए, लेकिन इस सरकार ने भी उन्हें इंडिस्पेंसिबल माना है। यह एक बड़ी बात है, यह एक अंडरलाइन करने वाली बात है क्योंकि अगर हम बात करें पहले बैकग्राउंड में यदि जाए तो उस बैकग्राउंड को देखते हुए यह था कि पूर्व में वसुंधरा राजे की सरकार थी जिसमें आयोजना सचिव की जिम्मेदारी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से निभाई थी और जो भामाशाह योजना है वह लागू करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। बिल्कुल ठीक है। तो इसके मद्देनजर जब गहलोत सरकार आई तो ये माना जा रहा था कि उनका किसी ऐसे विभाग में तबादला होगा और वो वही रहेंगे। तो सामाजिक न्याय में तबादला तो कर दिया गया लेकिन उसके बाद वो वहाँ रहे नहीं, उनको वित्त विभाग की अहम जिम्मेदारी गहलोत सरकार ने दी तो यह माना गया कि वो इंडिस्पेंसिबल माने गए जी। अब जब भजनलाल सरकार आई तो ये माना गया कि जो गहलोत सरकार के अहम पदों पर लगे हुए अधिकारी हैं वो बदले जाएंगे। इनमें नाम अखिल अरोड़ा का भी कहा जा रहा था लेकिन अखिल अरोड़ा का इस सूची में भी तबादला नहीं हुआ। ये सूची 9 महीने बाद चेहरे बदलने की सूची के रूप में देखी गई है तो उसमें भी ये तबादला नहीं हुआ। तो ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि सरकार उन्हें इंडिस्पेंसिबल मानती है और यह मानती है कि उनका अभी कोई विकल्प नहीं है, फिलहाल वित्त विभाग में उनका कोई विकल्प नहीं है और 4-5 बार वो बजट बना चुके हैं। तो उस अनुभव को देखते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन की उनकी जो गति है उनकी जो रफ्तार है उसको देखते हुए और सर्विस डिलीवरी को देखते हुए उन्हें एक तरह से कंटिन्यू रहने का इनाम मिला है। ठीक है डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जी 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 आपको तो ये कहा जा रहा था कि गृह विभाग एक अहम विभाग है, उसमें आनंद कुमार पिछली सरकार के समय से लगे हुए हैं तो पिछली सरकार के समय से यदि अफसरों को सबको ही हटाना है तो उनका भी नाम बार बार चर्चाओं में लिया गया लेकिन उन्हें भी सरकार फिलहाल इंडिस्पेंसिबल मानती है जबकि यह कहा जाता है कि कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया था पूर्व में बीजेपी ने जब कांग्रेस सरकार थी और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाते हुए बार बार ये कहा गया था कि कानून व्यवस्था के नाम पर लचर व्यवस्था है और इस वजह से
जो यहाँ के अधिकारी हैं जी, जी वो हटाए जाते बिल्कुल। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, हम डिस्कशन करेंगे लगातार इस पूरी सूची पर, जरा पूरी सूची में जो नाम है जितने उनके बारे में हम एक एक करके बता रहे हैं। हम 70 तक पहुंच गए थे, शिवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए, शिवेंद्र किशोर कुमार तक आपने बता दिया था, लेकिन उसके आगे की सूची में अगर हम बढ़ते हैं तो फिर किस तरीके से आप बता पाएंगे पूरे नामों को लेकर, इनके पिछले कार्यकाल को लेकर और नवीन पद को लेकर? किशोर कुमार के पास बाद बचनेश कुमार अग्रवाल का नाम है, ये भी प्रमोटी आईएएस अधिकारी हैं, पहले एक जिले में कलेक्टर रह चुके हैं। इनको ये अभी तक थे पीएचडी में जॉइंट सेक्रेटरी और अब इनको डायरेक्टर लगाया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में। इसके बाद है निशांत जैन जो कि जालौर बाड़मेर के कलेक्टर थे, बाड़मेर से पहले जालौर में थे निशांत जैन और बाड़मेर से अब इनको सेक्रेटरी जयपुर लगाया गया है, यानी कि सेक्रेटरी के तौर पर एक युवा आईएएस अधिकारी की पोस्टिंग की है सरकार ने। और जेडीए जयपुर में न सिर्फ जेडीसी को बदला है दीपिका, बल्कि सेक्रेटरी को भी बदला है, जेडीए को पूरा चेंज कर दिया है ये कह सकते हैं। इसके बाद जो नाम आता है वो नाम आता है लोकबंधु का। लोकबंधु ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो बीते कई टर्म से कलेक्टर हैं, पहले वो मुझे याद आता है कि भरतपुर के कलेक्टर थे, उसके बाद वो हनुमानगढ़ के कलेक्टर रहे और अब उनको गंगानगर से लगाया गया है अजमेर का कलेक्टर। अजमेर भी एक बड़ा जिला है, अजमेर की लोकबंधु को कमान दी गई है। सौरभ स्वामी का नाम है जो कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं राजस्थान हथकरघा विकास निगम के, उनको अतिरिक्त आयुक्त लगाया गया है उद्योग संवर्धन ब्यूरो में। पूजा कुमारी पार्थ का नाम है जो कि जालौर में कलेक्टर थी, लेकिन एज ए कलेक्टर पूजा कुमारी पार्थ ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई, उनको पहली कलेक्ट्री मिली थी जालौर में, लेकिन अब उनको जालौर से लगा दिया गया है पूजा कुमारी पार्थ को गृह विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी। इसके बाद हेम पुष्पा शर्मा का नाम है, जैसा मैं जिक्र कर रहा था वो सेक्रेटरी थी जयपुर की मंजू राजपाल के साथ, लेकिन जेडीसी के साथ साथ उनको भी बदला गया है, उनको राज्य बीमा में निदेशक बनाया गया है। ओम प्रकाश बैरवा, ये इस सूची का इंटरेस्टिंग नाम है क्योंकि ओम प्रकाश बैरवा पिछली सरकार में टोंक के कलेक्टर रहे थे और जब नई सरकार आई तो उनको आयुक्त लगाया गया विभागीय जांच में। मेरे पास एक खबर थी आज से तकरीबन महीने भर पहले कि ओम प्रकाश बैरवा की सिफारिश की है डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने और ओम प्रकाश बैरवा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाए जा सकते हैं। और इसका बड़ा कारण शिवेंद्र? देखिए, उनका बड़ा कारण ये कि पारिवारिक मित्र हैं जो ओम प्रकाश बैरवा हैं, वो डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के काफी नजदीकी हैं दोनों, और अभी भी जो उनकी पोस्टिंग हुई है दीपिका वो उसी विभाग में हुई है उच्च शिक्षा में जिसकी कमान डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के पास है, वो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी बनाए गए हैं। इसके अलावा साहिन अली खान, अब मैं जो नाम पढ़ रहा हूँ ये वो नाम है जिनका दो दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया है भारत सरकार ने और 97 बैच के ये तमाम जो आरएएस अधिकारी थे ये आईएएस में प्रमोट हुए हैं दो दिन पहले, इन सभी को भी पोस्टिंग दे दी गई है। तो इसमें अब जो नाम मैं जिक्र कर रहा हूं, पहला नाम है साहिन अली खान का जो पिछली सरकार में सीएमओ में थे, अतिरिक्त निदेशक थे एचसीएम रीपा के, इनको लगाया गया है परियोजना निदेशक राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी में। आकाश तोमर की जयपुर वापसी हुई है, आकाश तोमर भी हाल ही में आईएएस बने हैं, सचिन पायलट जो कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हैं उनके स्पेशल असिस्टेंट रह चुके हैं आकाश तोमर और अभी वो अतिरिक्त संभागीय आयुक्त हैं अजमेर में, उनकी जयपुर वापसी हो गई है और आकाश तोमर को अब लगाया गया है कार्यकारी निदेशक रीको में। अरुण कुमार हसीजा ये भी नए आईएएस बने हैं, ये अतिरिक्त आयुक्त थे योजना एवं नीति में आबकारी विभाग में, इनकी नई पोस्टिंग में भी वही जगह सेम रखी गई है, अब एज ए आईएएस वो जिम्मेदारी संभालेंगे। मनीष कुमार गोयल जो कि जॉइंट सेक्रेटरी थे शिक्षा ग्रुप दो में, ये भी वही रहेंगे उसी जगह पर, इनको एज ए आईएएस पोस्टिंग दे दी गई है। माता दीन मीणा निदेशक थे प्राच्य विद्या संस्थान जोधपुर के, ये भी वही रहेंगे एज ए आईएएस, इनको वहां पोस्टिंग दे दी है। कमल राम मीणा जो कि जॉइंट सेक्रेटरी है पीडब्ल्यूडी में, ये भी वही रहेंगे। केसर लाल मीणा जो कि अतिरिक्त निदेशक है पदेन संयुक्त शासन सचिव सोशल जस्टिस में, ये भी वहीं रहेंगे एज ए आईएएस, इनको वहां पोस्टिंग दे दी गई है। अब जो नाम है हिम्मत सिंह बारेट का, इनकी जयपुर वापसी हुई है आईएएस बनने के बाद, ये जब आरएएस थे तब ये रजिस्ट्रार थे महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय में, लेकिन अब इनको आयुक्त विभागीय जांच लगा दिया गया है। पुरुषोत्तम शर्मा ये इंपोर्टेंट नाम है सूची में क्योंकि पिछली सरकार में पुरुषोत्तम शर्मा डीआईपीआर के कमिश्नर रहे थे, एज ए आरएएस उनको आईएएस की जिम्मेदारी दी गई थी, जो पोस्ट आईएएस की होती है वहां उनको जिम्मेदारी दी गई थी, और अब जो पुरुषोत्तम शर्मा हैं
उनको रोडवेज का एमडी लगाया गया है। रोडवेज के एमडी और सीएमडी की जिम्मेदारी अभी तक श्रेया गुहा के पास थी, अब एमडी अलग है, सीएमडी अलग है। एमडी है पुरुषोत्तम शर्मा, सीएमडी है सुब्रा सिंह, जिनका इस सूची में पहले नंबर पर नाम है। तो पुरुषोत्तम शर्मा को ये कह सकते हैं कि जो नए आरएएस से आईएएस बने हैं उनमें अगर सबसे बढ़िया पोस्टिंग किसी की हुई है तो पुरुषोत्तम शर्मा की हुई है। एक तो वो सीकर से जयपुर आ गए, जयपुर आना चाह रहे थे। दूसरा, रोडवेज में एमडी बनना बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि रोडवेज राजस्थान के परिवहन का, सार्वजनिक परिवहन का सबसे बड़ा माध्यम है, तो उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। देवाराम सैनी, ये भी इस सूची का इंपोर्टेंट नाम है दीपिका। देवाराम सैनी वो नाम है जो बीते 5 साल पूरी तरीके से चर्चित रहे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के न सिर्फ ओएसडी थे बल्कि सबसे ताकतवर ओएसडी थे देवाराम सैनी। देवाराम सैनी भी हाल ही में आईएएस बने हैं लेकिन उनकी जयपुर वापसी नहीं हुई है। ये भी इस लिस्ट की अगर टॉप 10 हाईलाइट हम बनाएं तो वो हाईलाइट ये होगी कि देवाराम सैनी की आईएएस बनने के बाद भी जयपुर वापसी नहीं हुई है। वो बीकानेर कृषि विद्यालय में रजिस्ट्रार थे और उनको अभी भी बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार रखा गया है। अजय असवाल का नाम है जो कि एडिशनल कमिश्नर थे कॉलेज शिक्षा में, ये भी आईएएस में प्रमोट हुए हैं। इनको निदेशक लगाया गया है शांति और अहिंसा विभाग में। टीना डाबी का जिक्र मैं कर चुका हूं, मैटरनिटी लीव के बाद थोड़े दिन पहले लौटी है, वापस कलेक्टर की कुर्सी मिली है। जब जैसलमेर में कलेक्टर थी तब मैटरनिटी लीव पर गई थी, अब उसके आसपास बाड़मेर से वापस कलेक्टरी शुरू करेंगी। इसके बाद डॉक्टर मंजू का नाम है जो एपीओ थी 2016 की, उनको गंगानगर का कलेक्टर लगाया गया है। अर्तिका शुक्ला को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अर्तिका शुक्ला युवा आईएएस अधिकारी हैं, कलेक्टर बन गई थी वो पिछली बार, लेकिन जो उनका जिला था वो नया जिला था, छोटा जिला था खैरथल तेजारा, अब उनको अलवर की जिम्मेदारी दी गई है, अलवर की जो कलेक्टरी है। हालांकि ये बताते हैं जो आईएएस अधिकारी जिनसे बातचीत होती है कि नए जिले बनने के बाद अलवर का महत्व पहले जैसा तो नहीं रहा, लेकिन अभी भी अलवर की कलेक्टरी राजस्थान की बेस्ट कलेक्टरी में शामिल है। तो अर्तिका शुक्ला को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। महेंद्र खड़गावत जो कि निदेशक थे राजस्थान राज्य बीमा प्रावधायी निधि में, उनको निदेशक बनाया गया है माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर का। अपर्णा गुप्ता जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी थी गृह विभाग में, उनको बीकानेर यूआईटी का सेक्रेटरी बनाया गया है। अतुल प्रकाश जो कि जोधपुर नगर निगम आयुक्त थे, उनको स्वच्छ भारत मिशन का निदेशक बनाया गया है। शिल्पा सिंह जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी थी जिला परिषद जयपुर में, उनको रजिस्ट्रार बनाया गया है सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर का। मयंक मनीष जो कि इनको आयुक्त लगाया गया है बीकानेर में। डॉक्टर रवि कुमार इनको जोधपुर उत्तर में एसडीएम लगाया गया है। उसके बाद जो नाम है 99 से लेकर हम 98 तक पहुंच गए हैं दीपिका, 99 से लेकर 108 तक नाम है। ये 2021 और 22 बैच के अधिकारी हैं जिनमें से अधिकतर लोग पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद। इन सभी को ओएसडी लगाया गया है उद्योग विभाग में, सभी अधिकारियों को जो नए आईएएस अधिकारी हैं। और उसका कारण है अपकमिंग राइजिंग राजस्थान समिट, जो कि राजस्थान सरकार के लिए बहुत महत्वाकांक्षी समिट है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि रिकॉर्ड रेवेन्यू आएगा। मुख्यमंत्री अभी मुंबई जाकर आए हैं, बहुत जल्दी मुख्यमंत्री विदेश जा रहे हैं, सरकार जोर शोर से जुटी है राइजिंग राजस्थान में। तो उसमें तकरीबन आधा दर्जन से अधिक आईएएस अधिकारियों को जो कि नए फ्रेश आईएएस अधिकारी हैं उनको ओएसडी बनाया गया है। ये पूरी 108 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची है जिसका हमने दर्शकों के लिए एक एक नाम का विश्लेषण और पोस्टमार्टम किया है। बिल्कुल, और डॉक्टर ऋतुराज शर्मा भी शिवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे एसोसिएट एडिटर। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, क्योंकि शिवेंद्र ने एक एक नामों का जिक्र कर दिया है, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे इन 108 नामों की सूची में? देखिए, अगर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अगर बताना चाहें सूची के बारे में, तो सूची के बारे में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि एक तो इसमें चेहरे बदलने की कोशिश की गई है, जो कि पिछली कांग्रेस सरकार के चेहरे थे उसको बदला गया है। कई ऐसे जो नाम हैं जिनका आंसर पहले से सोचा जा रहा था वो नाम सूची में आए हैं। हालांकि दो नाम मैंने आपको दीपिका पहले बताएं, उन नामों के लेकर भी चर्चा जारी थी, लेकिन उन्हें इंडिस्पेंसेबल मानते हुए उनका नाम नहीं, एक नाम अखिल अरोड़ा का, दूसरा नाम अनंत कुमार का जो गृह अतिरिक्त सचिव है,
अब जो 108 जो अधिकारियों की स्थिति है, इनके साथ साथ ये देखना होगा इसका अतिरिक्त चार्ज के रूप में किसको ज्यादा जिम्मेदारी मिल गई यहाँ पर, क्योंकि अतिरिक्त चार्ज वैसे तो दिखने में लगता है कि अतिरिक्त चार्ज है, लेकिन अगर हम देखें अगर इसमें तो एक तो जितेंद्र सोनी को एक कलेक्ट्री तो मुख्य चार्ज के रूप में मिली है, बाकी तो कलेक्ट्री अतिरिक्त चार्ज के रूप में मिली है, यानी कि दूदू और जयपुर ग्रामीण। इसका साफ मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि अभी भी सरकार पोतोपेश में है, नए जिलों 17 जो नए जिले बनाए गए थे उनको लेकर, और इसी कारण से जब 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 भी ये मौका आता है दुर्ग का, जयपुर ग्रामीण का, तमाम जो ऐसे जिलों का मौका आता है, तब वो अतिरिक्त चार्ज लेकर यहाँ पर अपना एक तरह से ये मान सकते हैं कि दायित्व पूरा करती है। तो ये अतिरिक्त चार्ज के रूप में दूरी नजर आ रहा, परिवहन आयुक्त जैसे पद का यहाँ पर अतिरिक्त चार्ज है तो हम देख सकते हैं कि संभागीय आयुक्त जैसे पद का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। यह दर्शाता है कि पहले ही करीब करीब 50 विभागों के अतिरिक्त चार्ज हैं, अब इसमें किस तरह से जोड़ घटाना यहाँ पर हुआ है, करीब करीब 50 से ज्यादा विभाग है या जगह ऐसी है जहाँ अतिरिक्त चार्ज के रूप में जिम्मेदारी पहले से ही आईएएस निभाए जा रहे हैं। तो अगर केवल दमानी की बात करें तो उनको उदयपुर का भी और बांसवाड़ा का भी संभागीय आयुक्त जैसे अहम पद का अतिरिक्त चार्ज किया है, इसी तरह से अभिलेखागार में निदेशक जैसे अहम पद का अतिरिक्त चार्ज दिया है महेंद्र खड़गावत को, डीएमआई की आयुक्त जो की बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट है उसका भी अतिरिक्त चार्ज हम देख सकते हैं, और इंद्रजीत सिंह को चार्ज मिला है, सूचना प्रौद्योगिकी आयुक्त आईटी आयुक्त उसका चार्ज अर्जुना सिंह को अतिरिक्त चार्ज के रूप में, बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त चार्ज यहाँ पर साधन विकास के रूप में, संस्कृत शिक्षा विभाग में आयुक्त पद का अतिरिक्त चार्ज, श्रम सचिव जो की अपने आप में एक पूर्ण पद है और एक स्थायी अधिकारिक नियुक्ति वहाँ पर मान सकते हैं कि होनी चाहिए और अभी तक होती भी आई है, उस पद का भी अतिरिक्त चार्ज श्रम सचिव पद का भी जोगाराम को दिया गया है जी। तो हम ये देख सकते हैं कितने अतिरिक्त चार्ज दिए गए हैं इस स्थिति में। समित शर्मा कौशल उद्यमिता के सचिव के रूप में, यह भी एक स्वतंत्र विभाग है और इसमें पूर्णकालिक नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन गोविंद युवा प्रशासनिक सुधार विभाग जो की तमाम जो सरकारी विभागों में निरीक्षण के लिए अहम माना जाता है, साथ ही साथ कलेक्टर और संभागीय आयुक्तों की जो रिपोर्ट होती है दोनों को लेकर या अन्य तमाम जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो प्रशासनिक सुधार विभाग से करता है, लेकिन उसका भी यहाँ पर अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ है। हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष पद का अतिरिक्त चार्ज वैभव गालरिया को, इसी तरह से कर बोर्ड अजमेर के पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है जी। तो ये देख सकते हैं हम कितने अतिरिक्त चार्ज यहाँ पर दिए गए और महत्वपूर्ण पदों के अतिरिक्त चार्ज है, जो एससीएम रीपा का महानिदेशक का पद है वो एसीएस और प्रमुख सचिव स्तर का पद है, लेकिन उसके पद का भी यहाँ पर अतिरिक्त चार्ज देख सकते हैं, जैसे पीएसएल अध्यक्ष के पद का भी अतिरिक्त चार्ज राजेश यादव के रूप में देख सकते हैं, चिकित्सा शिक्षा विभाग जो की अपने आप में पूरा अलग विभाग है, चिकित्सा से अलग विभाग है जी। और न सिर्फ डॉक्टरों की पोस्टिंग छुट्टी आदि चीजें निर्धारित करता है, बल्कि जो कॉलेजों में मेडिकल कॉलेजों में तमाम व्यवस्था है वो उसका उत्तरदायी, उसका भी अतिरिक्त चार्ज यात्री राठौर को दिया हुआ है। हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष पद का अतिरिक्त चार्ज वैभव गालरिया को दिया हुआ है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो कि बजट में बार बार एक प्रमुख घोषणाओं के रूप में आती है, जयपुर मेट्रो का कितना विस्तार किया जाए, बिल्कुल भी यहाँ पर अतिरिक्त चार्ज देख सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, अतिरिक्त चार्ज का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं माफी के साथ आपको रोक